प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू होंगी और इनका समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश स्थापना करने की जो सरल विधि है वो क्या रहेगी। कुछ लोग कलश स्थापना करते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनके चलते माता रानी की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है, तो वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कलश स्थापना करते समय आपने नहीं करनी है, उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं और 9 ही नवरात्रे होते हैं। प्रत्येक नवरात्रे के दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, तो कौन से दिन कौन से स्वरूप की पूजा आपने करनी चाहिए इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। पूजा की सरल विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पारण आपने कब करना है, अपने घर में हवन कब करवाना है, कन्या पूजन कब करना है और कैसे करना है, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक ये जो 9 दिन बनते हैं इन्हीं को नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। ये 9 दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं और माता रानी को समर्पित होते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर ही निवास करती है। यदि आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लंबे समय से आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो इन 9 दिनों में आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत बेझिझक कर सकते हैं। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार के दिन से शुरू हो जाएंगी और इनका समापन 30 मार्च यानी कि गुरुवार को हो जाएगा। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 22 मार्च सुबह 6:25 से लेकर 9:26 तक रहेगा, तो इस शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं और अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। यदि इस मुहूर्त में आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 22 मार्च सुबह 10:57 पर शुरू होगा और दोपहर में 12:28 तक रहेगा, तो इस शुभ मुहूर्त में भी आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं और अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। 22 मार्च को अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:04 से लेकर 12:52 तक। अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन अब की बार यानी कि 22 मार्च को जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो राहु काल में आएगा, तो राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, इसलिए आपने अब की बार अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं करनी है और ना ही अपनी पूजा की शुरुआत करनी है और ना ही व्रत का संकल्प आपने अभिजीत मुहूर्त में लेना है, क्योंकि उस समय राहु काल आ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, अब बात कर लेते हैं पूजा की सरल विधि यानी कि पूजा आपने कैसे और कब करनी है। जो मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं उन मुहूर्तों के समय को ध्यान में रखते हुए आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं।
आपने एक चौकी लेनी है। इस चौकी को आपने पूजा रूम में इस प्रकार से स्थापित करना है कि जब आप पूजा करने बैठो तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर ऐसे स्थापित कर लीजिए कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, और यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो इस प्रकार से चौकी को स्थापित कीजिए, आपका जो मुख है वो ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। कहने का अभिप्राय इतना सा है, यदि हम पूजा करते हैं तो उस समय हमारा जो चेहरा होता है, हमारा जो फेस होता है, वो या तो ईस्ट जोन की तरफ होना चाहिए, या नॉर्थ जोन की तरफ होना चाहिए, या फिर ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। अब इस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता रानी की जो भी प्रतिमा आपके पास उपलब्ध है, जो भी तस्वीर आपके पास अवेलेबल है, वो उस चौकी पर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आपने अखंड ज्योति जला देनी है और उसके बाद आपने कलश की स्थापना करनी है। अब ये कलश की स्थापना कैसे करनी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में सबसे पहले आप थोड़ा सा रेत भर लीजिए और उस रेत में थोड़े से जौ डाल दीजिए, जो आप समझते हैं जो उगाए जाते हैं, तो थोड़े से जौ, कई जगह पर इसको ज्वार भी बोलते हैं, तो जो भी आपके वहां बोलते हो आप समझ जाइए, तो थोड़े से जौ इस रेत में आप डाल लीजिए और उसके बाद इसमें पानी मिला दीजिए। और इसके बाद आपने एक कलश लेना है मिट्टी का, छोटा हो या फिर बड़ा हो वो आपकी सुविधा के अनुसार आप ले लीजिए। तो एक मिट्टी का कलश आप ले लेना है, और मिट्टी का कलश जो गला होता है मिट्टी के कलश का, वहाँ पर आपने रक्षा सूत्र यानी कि धागा बांध देना है। कौन सा धागा, ये जो मैंने हाथ को बांध रखा है, रक्षा सूत्र के रूप में जो बांधा जाता है वो धागा आप बांध लीजिए। उसके बाद इसको जल से भर लीजिए, और जल से भरने के बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिला लीजिए। उसके बाद एक हल्दी की गांठ इस कलश में आप डाल दीजिए, और एक चांदी का सिक्का इस कलश में अवश्य डालिए। यदि चांदी का सिक्का आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर आप कोई भी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, कोई भी सिक्का इस कलश में डाल सकते हैं। इस कलश में थोड़ी सी हरी दुर्वा भी आपने डाल देनी है, और एक छोटा सा फूल भी इस कलश में डाल देना है, और एक सुपारी भी इस कलश में आपने डाल देनी है। ये सब डालने के बाद आपने आंब के पत्ते इस कलश के ऊपर रखने हैं। यदि पंच पल्लव आपके पास हैं तो अति श्रेष्ठ है, यदि पंच पल्लव आपके पास नहीं है तो आप केवल आंब के पत्ते इस कलश में इस प्रकार से रख दीजिए, जो आंब के पत्तों का नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे पानी में डूब जाए और ऊपर पत्ते इस प्रकार से फैल जाए, और उसके बाद आपने इस कलश को ढक्कन की सहायता से ढक देना है। इसके बाद आपने इस कलश पर नारियल रखना है। अब नारियल कौन सा, पानी वाला नारियल होना चाहिए। जब आप उसको इस प्रकार से हिलाओगे तो नारियल में पानी बजने की आवाज आनी चाहिए, तो वो नारियल आपने ले लेना है। मैं दिखा देता हूं आपको कि कौन सा नारियल लेना है। देखिए, ये नारियल आपने लेना है, जब आप इसको हिलाओगे तो पानी बजने की आवाज इसके अंदर से आपको आएगी। अब इस नारियल को कैसे रखना है, सबसे पहले इस नारियल पर लाल रंग का वस्त्र आप लपेट लीजिए। अब नारियल के दो सिरे होते हैं, एक ये और एक ये। ये जो सिरा होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको नारियल की पूंछ कहा जाता है, और ये जो सिरा होता है ये थोड़ा सा गोल होता है, तो इसको नारियल का मुख बोला जाता है। तो ये नारियल आपने कैसे रखना है कलश के ऊपर, इसको ध्यान से सुनिए। इस नारियल को कई लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं, और कई लोग ऐसे रख देते हैं, और कई लोग इस प्रकार से रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, नारियल को इस प्रकार से रखिए कि जब आप पूजा करने बैठें तो नारियल का जो मुख है, मैंने बताया ना ये मुख होता है, तो नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये होता है थोड़ा सा गोल हिस्सा, और ये थोड़ा सा पूंछ टाइप में होता है। तो आपने इस प्रकार से ऐसे रखना है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इसका मुख मेरी तरफ है, तो इस प्रकार से नारियल का जो
मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपने नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। उसके बाद इस कलश को उठाना है और वहां पर रख देना है जहां पर आपने जो उगाए हैं, यानी कि जिस बर्तन में आपने रेत और जो और जल डाल के रखा है उस बर्तन में इस कलश को रख देना है। अब इसको स्थापित कहाँ करना है, कई लोग यहाँ भी गलती कर देते हैं। कुछ लोग माता रानी के बाएं हाथ की तरफ इस कलश को स्थापित कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो करना कहाँ है, ये आपने माता रानी के राइट हैंड की तरफ स्थापित करना है। जब आप पूजा करने बैठो तो ये कलश आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आना चाहिए, यानी कि बाएं हाथ की तरफ आना चाहिए, और माता रानी का जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ है उस साइड में आपने इस कलश को स्थापित कर देना है। तो इस प्रकार से कलश स्थापित करने के बाद आपने सबसे पहले गणपति जी महाराज की पूजा करनी है। कोई भी कार्य जिसमें हमें सफलता चाहिए तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी विघ्नों को हरने वाले हैं, कलेशों का नाश करने वाले हैं। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता दिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा कर दीजिए। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वो सामग्री गणपति जी पर अर्पित कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद जो भी आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं उनकी भी आप पूजा करते हैं कर सकते हैं, और जो भी आपके पास सामग्री है वो अर्पण कर सकते हैं। सबसे अंत में आपने माँ दुर्गा की पूजा करनी है। जो भी मुख्य देवी देवता होता है यानी कि प्रधान देवी देवता होता है उसकी पूजा अंत में की जाती है। तो आपने माता रानी का ध्यान करना है और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वो माता रानी को अर्पित कर देनी है। अब 9 नवरात्रि बताए हैं और 9 ही माता रानी के स्वरूप होते हैं, तो प्रत्येक नवरात्रि के दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप को ध्यान में रखकर यदि पूजा की जाए तो माता रानी की विशेष कृपा हम पर बन जाती है। तो कौन से दिन किस स्वरूप का ध्यान आपने करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 22 मार्च बुधवार के दिन माँ शैलपुत्री का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ शैलपुत्री के स्वरूप को ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा करनी है। 23 मार्च गुरुवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा करनी है। 24 मार्च शुक्रवार के दिन माँ चंद्रघंटा का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा करनी है। 25 मार्च शनिवार को माँ कुष्मांडा का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा करनी है। 26 मार्च रविवार के दिन माँ स्कंद माता का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माता रानी की पूजा करनी है। 27 मार्च सोमवार के दिन माँ कात्यायनी का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माता रानी की पूजा करनी है। 28 मार्च मंगलवार के दिन माँ कालरात्रि का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माता रानी की पूजा करनी है। 29 मार्च बुधवार के दिन माँ महागौरी का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन महागौरी का ध्यान करते हुए महागौरी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए माता रानी की पूजा करनी है। 30 मार्च गुरुवार के दिन माँ सिद्धिदात्री का नवरात्रा है, तो आपने इस दिन माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप को ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा करनी है। यदि आप 9 के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी अवश्य पूर्ण करती है। अब बात कर लेते हैं व्रत के नियमों की। प्रिय दर्शकों,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौ के नौ नवरात्रे रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहला नवरात्रा और अंतिम नवरात्रा रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत नहीं रखते हैं, केवल पाठ पूजा करते हैं। अब यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका शरीर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आपको व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, और यदि भूख और प्यास आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल पाठ पूजा कर लीजिए, उससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में आपने किन नियमों का पालन करना है उसको मैं बता देता हूं। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि भोजन तो लेना नहीं होता, फलहार करना होता है। तो ये जो नियम मैं बताने वाला हूं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग व्रत नहीं रखना चाहते लेकिन माता रानी की विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। इन 9 के 9 दिनों में आपने ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ये जो नियम है जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी है, जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी है। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपने नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन ही आपने ग्रहण करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और किसी की चर्चा चुगली भी आपने नहीं करनी चाहिए। इन 9 दिनों में दिन के समय आपने सोना नहीं चाहिए। यदि इन नियमों का आप पालन करते हैं तो आपको व्रत के जैसा ही फल मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं व्रत के पारण की। तो देखिए, कुछ परिवारों में ये परंपरा होती है कि व्रत का जो पारण होता है वो अष्टमी के दिन कर लेते हैं, और कुछ परिवारों में परंपरा होती है कि व्रत का पारण नवमी के दिन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत का पारण दशमी के दिन कर लेते हैं। यदि शास्त्र सम्मत जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि नवमी के दिन आपने अपने व्रत का पारण करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? नवमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके अपने घर में हवन करवाना चाहिए। यदि आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, या फिर किसी ब्राह्मण की सहायता से आप अपने घर में हवन करवा लीजिए। हवन के बाद हवन में भोग लगा दीजिए, उसके बाद कन्याओं को आप अपने घर में बुला लीजिए, कन्याओं का पूजन कीजिए, कन्याओं के जो पांव हैं उनको आप धोइए, उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधिए, उनको तिलक कीजिए, उसके बाद उनको भोजन करवाइए। भोजन करवाने के बाद उनको आप दक्षिणा दीजिए, आप उनको वस्त्र भी दे सकते हैं, आप ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, ब्राह्मण को भी आप दक्षिणा दे सकते हैं। ये सब होने के बाद आपने अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रों के ऊपर। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।